ये प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन है, इसका मॉडल नंबर है पिक 14.0। तो इस इंडक्शन में क्या प्रॉब्लम है इसको ऑन करके हम देखेंगे। अभी पावर को ऑन करने के बाद में मेनू का बटन दबाने के बाद में E1 का एरर अभी इसमें शो कर रहा है। बिना बर्तन रखे इसमें एरर शो कर रहा है। जैसे ही इसका पावर का स्विच ऑन करते हैं तो इसमें E1 का एरर आता है। तो इसका हो सकता है कि इसका वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर ही ओपन हो। तो चलो इसको हम फटाफट से ओपन करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी इसको ओपन करने के बाद में इसमें हम इसका ब्रिज रेक्टिफायर और पहले मल्टीमीटर को हम डायोड के ऊपर सेट करेंगे और इसका हम IGBT चेक करेंगे। IGBT की ड्रेन पिन को हम ब्लैक प्रोब लगाएंगे और सोर्स को हम रेड प्रोब लगाएंगे और एक बार गेट से भी चेक करेंगे। इसके बाद में हम रेक्टिफायर चेक करेंगे। तो इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है और IGBT भी सही है। इसके बाद में हम इसके जो वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर है इनको चेक करेंगे। पहले हम इसके कैपेसिटर एक बार देख लेते हैं, कुछ डैमेज तो नहीं है, ऐसा तो लग तो नहीं रहा है डैमेज है। हम क्या करेंगे, पावर को ऑन करेंगे और इसके बाद में हम ये जो ब्लैक प्रोब है इसको हम IGBT के जो सोर्स पिन है वो वही ग्राउंड पिन भी है तो उसको ब्लैक प्रोब लगाएंगे और ये जो रेड प्रोब है ये यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर के अक्रॉस में वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक रजिस्टर पे तो वोल्टेज आ रहा है लेकिन दूसरा जो रजिस्टर है यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है। इनपुट में तो 330 वोल्ट के आसपास वोल्टेज है लेकिन आउटपुट में 0 वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो पहला वाला रजिस्टर है इसके यहाँ पे 1.4 वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद में ये जो इनपुट वोल्टेज सेंस करने के लिए जो वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर होते हैं ये यहाँ पे लगे हैं, इनको भी हम चेक करेंगे। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पिन से लगाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। जो डायोड है दोनों कनेक्टेड उनके कैथोड पे 217 आउटपुट आ रहा है। और ये जो रजिस्टर है इसके आउटपुट के पिन में हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 वोल्टेज आ रहा है और ये जो दूसरा रजिस्टर है यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये भी रजिस्टर शायद ओपन ही है। तो हम वापस से चेक करके देखते हैं। इनपुट में है 152 वोल्टेज है और आउटपुट में 0 वोल्टेज है। तो मतलब ये रजिस्टर भी ओपन दिखा रहा है। हम एक बार वापस से चेक करके देखेंगे। ब्लैक प्रोब को हम IGBT की सोर्स पिन से कनेक्ट करने के बाद में रेड प्रोब को हम वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर के सेकंड पिन को कनेक्ट करेंगे।
तो अभी पावर को बंद करने के बाद में हम ये वोल्टेज डिवाइड रेजिस्टर जो है 820 किलो ओम का, इसको बाहर निकाल के एक बार चेक करेंगे। इसमें ये 2 वैट का रजिस्टर लगा है यहाँ पे 820 किलो ओम का। तो बाहर निकालने के बाद में हम मल्टीमीटर को ओम्स के ऊपर सेट करेंगे, और रजिस्टर बाहर निकालने के बाद में हम यहाँ पे ये दोनों जो पिन है रजिस्टर की, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, सॉरी कंटिन्यूटी देखना है। ये तो ओपन दिखा रहा है, तो बाहर निकाल के एक बार हम वापस से इसको चेक करेंगे। तो एक पिन को हम ये 820 किलो ओम का रजिस्टर है, इसकी एक पिन को हम मल्टीमीटर की प्रोब से पकड़ेंगे, इसकी एक पिन को हम मल्टीमीटर के एक प्रोब से कनेक्ट करेंगे, और दूसरी पिन को हम ये जो रजिस्टर की दूसरी पिन है इससे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ओपन ही दिखा रहा है, ये हम हाथ से पकड़ेंगे दोनों पिनों को, तो यहाँ पे बॉडी का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये रजिस्टर ओपन ही है, हम ये दूसरा वाला भी जो वोल्टेज डिवाइड रजिस्टर है इसको भी बाहर निकाल के एक बार चेक करेंगे। इसका भी रेजिस्टेंस चेक करेंगे एक पिन को निकालने के बाद में, तो ये भी ओपन ही दिखा रहा है। तो चलो हम इसको भी एक बार बाहर निकाल के चेक करेंगे वापस से। इसकी वैल्यू क्या है, ये 330 के का रजिस्टर है, इसका कलर कोड है ऑरेंज ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज। बाहर निकालने के बाद में ये ओपन ही दिखा रहा है। ये जो इसके बाजू में जो दूसरा रजिस्टर है इसकी वैल्यू भी सेम ही है, इसको एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे 213 किलो ओम के आसपास रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये 330 के का रेजिस्टर है, इसको हम एक बार चेक करेंगे। ये नया वाला रेजिस्टर हम यहाँ पे पीसीबी में लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को लगाने के बाद में एक बार इसको चेक करेंगे। ये जो दूसरा वाला वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर है 820 किलो ओम 2 वैट का, इसको हम बाद में लगाएंगे। देखते हैं अभी इस रजिस्टर को लगाने के बाद में क्या एरर शो कर रहा है इंडक्शन। तो इसका टॉप कवर भी लगा देंगे और इसको एक बार ऑन करके भी हम चेक करेंगे। इसमें हमने 330 किलो ओम का जो रजिस्टर है उसको तो लगा दिया है, लेकिन 820 किलो ओम 2 वैट का रजिस्टर हमने नहीं लगाया है। अभी पावर को ऑन करने के बाद में इसका ऑन ऑफ स्विच जो है इसको प्रेस करेंगे, इसके बाद में एक मेनू का बटन प्रेस करेंगे। तो अभी E9 का प्रॉब्लम इंडक्शन शो कर रहा है कि इस प्रेस्टिज के इंडक्शन में अगर 820 किलो ओम का रजिस्टर ओपन हो जाता है तो E9 का एरर शो करता है। ये फॉल्ट भी हमको इस वीडियो में समझ में आ गया। चलो हम उस रजिस्टर को भी लगा देंगे और एक बार चेक करेंगे इंडक्शन ऑन होता है या नहीं। दो रजिस्टर एक साथ में ओपन हो गए थे इस इंडक्शन में,
तो 820 किलो, तो 820 किलो ओम का 2 वाट का रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 820 किलो ओम 2 वाट का रजिस्टर है मेरे पास में, ये CFR है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। इस रजिस्टर को सोल्डर करने के बाद में हम एक बार इसको पैक करके वापस से चेक करेंगे, इसका टॉप कवर भी लगा देंगे। और पावर को ऑन करके हम एक बार इस इंडक्शन को स्टार्ट करके देखेंगे। अभी इसमें E0 शो कर रहा है, मतलब अभी बर्तन रही है, अभी बर्तन नहीं इसके ऊपर। तो बर्तन रख के देखेंगे हम, अभी सिर्फ का लैम्प ऑन हो रहा है। लो वोल्टेज होने पर E1 का एरर इसमें शो कर रहा है। इसको अभी पैरेलल कनेक्ट करके मैं वापस से चेक करूँगा। इसका ऑन ऑफ का स्विच प्रेस करने के बाद में मेनू का एक बटन प्रेस करना पड़ता है। तो ये इंडक्शन अभी ओके हो गया है, अभी इसके ऊपर वाटेज भी शो कर रहा है और ये पानी भी अभी गर्म होने लगा है। तो इस इंडक्शन में 2 वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर ओपन थे, ये दोनों की वजह से इसमें अलग अलग एरर शो कर रहा था। ये जो पहला वाला जो इनपुट वोल्टेज सेंस करने के लिए यूज़ किया गया था, 330 किलो ओम का रजिस्टर, उसकी वजह से E1 एरर इसमें शो कर रहा था। उसको रिप्लेस करने के बाद में इसमें E9 का प्रॉब्लम शो कर रहा था, क्योंकि ये दूसरा वाला 820 किलो ओम का रजिस्टर ओपन था। हम क्या करेंगे, जो हमने जो पहला वाला वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर लगाया था उसकी एक पिन निकाल कर हम वापस से इसको चेक करते, देखते इसमें क्या एरर आता है। अभी जो हमने 330 किलो ओम का रजिस्टर लगाया था पहले, उसकी एक पिन अभी मैंने निकाल दी है, और देखते हैं अभी ये रजिस्टर ओपन करने के बाद में इसमें क्या एरर आता है। तो इसमें E1 का एरर आ रहा है, मतलब जो पहले वाला जो रजिस्टर था 330 किलो ओम का, इसके ओपन होने की वजह से ही इसमें E1 का एरर आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को तो कनेक्ट कर देंगे, उसके बाजू वाला जो दूसरा वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर है उसकी एक पिन हम ओपन करके फिर इंडक्शन को चेक करेंगे, इंडक्शन में क्या एरर आता है। तो ये जो दूसरा वाला रजिस्टर है ये भी 330 किलो ओम का ही है, तो उसकी पिन निकालने के बाद में मुझे लगता है इसमें E2 का एरर आएगा, लेकिन हम इसको ऑन करके एक बार देखेंगे। अभी इसकी एक पिन निकाल दी है मैंने, ओपन कर दिया इस रजिस्टर को। और ये जो पहला वाला रजिस्टर है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, सोल्डर कर देंगे यहाँ पे। तो चलो इसको हम एक बार वापस से ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या एरर आता है। इसमें E2 का ही एरर आना चाहिए। चलो इसकी पावर को अभी ऑन कर दिया मैंने। अभी ऑन ऑफ का स्विच प्रेस करने के बाद में इसमें मेनू का बटन दबाते ही E2 का एरर इसमें आ रहा है। तो इनपुट वोल्टेज लो और हाई ये दोनों सेंस करने के लिए इसमें ये 330 किलो ओम के 2 रजिस्टर लगे हैं, इसकी वजह से E1 और E2 एरर आता है। ये तो कंफर्म हो गया। इस वीडियो में हमने 3 फॉल्ट भी इस वीडियो में हमने देख लिए।
इस वीडियो में हमने तीन एरर देख लिए E1, E2 और E9 का। ये वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर ओपन होने की वजह से ही आते हैं। तो एक ही वीडियो में हमको तीन फॉल्ट देखने को मिल गए। तो अभी इसको मैं अभी पैक कर देता हूँ। अभी इंडक्शन ओके हो गया है, इसको वापस से एक बार चेक करता हूँ मैं। ये जो दूसरा वाला टेम्परेचर सेंसर है, हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था। अगर इसको कनेक्ट नहीं करते तो कुछ समय के बाद में इसमें E5 या E6 का एरर आ सकता है। तो इसको भी अभी कनेक्ट कर दिया है मैंने। अभी यहाँ पे वापस से E0 शो कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी बर्तन नहीं है। अभी बर्तन रखने के बाद में यहाँ पे अभी ये ओके हो गया है। अभी ये पानी भी गर्म होने लगा है। तो इस इंडक्शन में दो वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर ओपन थे, इसकी वजह से इसमें E1 का एरर आ रहा था, और 330 के रजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद में इसमें E9 का एरर आ रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।